डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंधान एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हम सॉल्विंग कर रहे हैं इंटीग्रल्स की। तो इंटीग्रल का जो कंटिन्यूएशन है आपके सामने है, ये सवाल है। देखिए, बेसिकली इस टाइप के सवाल के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है। जब भी आप क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लेते हो तो लीनियर आता है। सो एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फोर इंटू एक्स फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? सिक्स एक्स प्लस सेवन। अब कुछ सब्स्टिट्यूट करो। मेरे को ऐसा लगता है पहले स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स स्प्लिट इट, है ना? स्प्लिट करने के बाद क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू सिक्स एक्स डी एक्स अपॉन रूट में तो आपको पता है, ठीक है? सेवन अपॉन रूट में तो पता है, ठीक है? अब आगे क्या? सो अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी को आप टी ले लो, डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। ओके इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। इधर टू एक्स माइनस वन है क्या? सो मैंने एडजस्टमेंट के लिए, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एडजस्टमेंट मैंने माइनस वन प्लस वन किया। सो इधर है 2x माइनस वन, ठीक है? इधर है क्या 2x माइनस वन? एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इस कार्यक्रम को। एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू टेक द एम्प्टी शीट। तो हम इसको अगले पेज पे लेके आते हैं। तो गाइस, इस प्रोग्राम को हम अगले पेज पे लेके आते हैं। आई इक्वल्स टू सिक्स कॉमन एक्स अपॉन रूट, ठीक है? अब अपन ने क्या करना है, टू एक्स माइनस वन लाना है। सो ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई, माइनस वन बैलेंस के लिए प्लस वन, और इधर क्या है, सेवन अपॉन रूट। बढ़िया। सो गाइज, एक चीज आपको क्लियर हो गई, इधर आ जाएगा थ्री। इसका अगर आप इंटीग्रेशन लोगे, रूट का डेरिवेटिव ऊपर है, सो आंसर आता है टू रूट। रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ये सॉल्व नहीं होगा, इसको थ्री इंटू करके छोड़ दो, थ्री इंटू कर दो इसको, इंटीग्रल ऑफ रूट डी एक्स। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो रही है, इट्स अ नाइन एक्स। ओ सो सॉरी। चलो ये नाइन एक्स था, ठीक है? कोई बात नहीं, होते रहता है, कुछ नहीं है खास मिस्टेक। ये एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस नाइन था, तो जाएगा टू एक्स माइनस नाइन प्लस नाइन। और क्या मतलब, और क्या किया? कुछ था तो नहीं यार, तुम भी ना पकड़ लेते हो। 2x माइनस नाइन प्लस नाइन। सो गाइज, इतना पार्ट सॉल्व हो चुका है। I इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टू रूट में प्लस, ये हो जाएगा 16 अपॉन रूट डी एक्स। आइए अपन 16 अपॉन रूट डी एक्स अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। इसका नाम देते हैं आई वन। 16 बार फेंक दो, रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी। टेल मी टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई टेल मी टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई
पर फैक्टराइजेशन तो करने नहीं है। मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन वो है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो 9/2 का स्क्वायर। सो गाइज नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा नहीं, ये क्या आएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर डीएक्स। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और सॉल्विंग भी इजी हो सके। चलिए एक एक स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। इट वॉज रियली लेंथी क्वेश्चन, लिखने का काम बहुत ज्यादा था, समझने का काम बहुत कम था। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आइडियोलॉजी, उसी का हम यूज करेंगे, बट बिफोर दैट व्हाट डू यू थिंक क्या कर सकते हैं। देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t ले लेता हूँ तो डेरिवेटिव आएगा 4 माइनस 2x, t का डेरिवेटिव dt इधर आ जाएगा dx, ठीक है। 4 माइनस 2x dx, ऊपर 4 माइनस 2x dx है क्या, एडजस्ट करते हैं ना। पहली बात तो अपने को चाहिए नेगेटिव 2x, सो नेगेटिव 2x चाहिए, ठीक है। सो माइनस 2 ऊपर और माइनस 2 नीचे अपन ने मल्टीप्लाई किया, इतना समझ में आया क्या आपको। हमने क्या किया, माइनस 2 ऊपर नीचे इंटू किया। अब चाहिए 4 पॉजिटिव, सो इधर जाएगा माइनस 2x प्लस 4 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8। नीचे आ गया है रूट। अब हो गया, दैट्स इट, इट्स ओवर, काम तमाम हो चुका है क्वेश्चन का। देखो आई इक्वल्स टू माइनस 1/2 बाहर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना तो ये आता है 2 रूट, ठीक है। माइनस 1/2 इसके साथ इंटू करो तो हो जाएगा 8/2, ठीक है। और माइनस 1/2 मैंने अंदर भी दे दिया, दोनों को देना था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8/2। और 1/√ को सॉल्व करना है, कर लोगे सॉल्व। आइए दोस्तों हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, प्लीज इतना लिख लो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हैव अ नोट ऑफ इट, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 8/2 इधर आ जाएगा 4 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में बताइए। तो इस क्वेश्चन में मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सो बेसिकली माइनस 4 दे देते हैं इनको, ठीक है, और प्लस 4 दे देते हैं। फोर क्या है, 2 का स्क्वायर,
माइनस कॉमन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट वॉज रियली नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या किया। सबसे पहले अपन ने स्प्लिट किया, ठीक है, डिनोमिनेटर जिसको सब्सटीट्यूट करना था, रूट के अंदर जनरली जो चीज़ रहती है वो बुरी रहती है, उसको अपन ने टी ले लिया। डेरिवेटिव आया, ठीक है, फोर माइनस टू एक्स, यहाँ पे माइनस टू था क्या, तो मैंने माइनस टू से ऊपर नीचे इंटू किया, ठीक है, इतना क्लियर है, माइनस टू से ऊपर नीचे इंटू किया। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस टू से ऊपर नीचे इंटू करने के बाद, यस यू आर राइट, आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। माइनस टू से जब मैंने ऊपर नीचे इंटू किया, अब एक चीज़ हुई, वो ये कि माइनस टू एक्स आ गया। अब की बारी है फोर की, तो फोर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने प्लस फोर और माइनस फोर करा, प्लस फोर किया तो माइनस फोर हो गया माइनस एट, ठीक है, तो दिस इज हाउ आई डिड इट। ओके, रूट को स्प्लिट करा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर डेरिवेटिव है नीचे रूट में फंक्शन है तो आंसर आता है टू रूट ऑफ एक्स, सो टू रूट ऑफ एक्स एफ ओ एक्स, तो बेसिकली ये आ गया। इसको हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक की मेथड से सॉल्व करा है, मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन, एड एंड सब्ट्रैक्ट वन बाय टू इनटू कोएफिशिएंट ऑफ द होल्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनके फीचर्स मैं आपको बता दूं। बच्चों, हमने लाइव क्लासेस लॉन्च करके रखी हैं विच आर इन द प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि आपकी बेहतरीन तैयारी कराएंगी। बच्चों, आप इसमें लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर होंगे, टेस्ट सीरीज कवर की जाएंगी, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी दिया जाएगा। बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेंगे, एक ही जगह पे आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश सब कुछ आपका तैयारी हो जाएगा। बच्चों, दो सब्सक्रिप्शन है, एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और एक है प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी दी जाएगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग और वीकली रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी। बच्चों, टीचर्स की अगर बात करें तो साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी वीकेंड बैचेस भी हैं, रेगुलर बैचेस भी हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों, आपकी तैयारी कहीं पे भी बचने नहीं वाली, कहीं भी कुछ भी टॉपिक छूटने नहीं वाला, हर एक चीज़ की हम अच्छे से तैयारी करेंगे। बच्चों, आपको शेड्यूल मिल जाता है, आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी पूरा पूरा फोकस कराया जाएगा और आपकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज स्टार्ट करके रखी है, जिसमें वैदिक मैथ्स, पब्लिक स्पीकिंग, मैजिक ट्रिक, डिबेटिंग, रोबोटिक्स, ये सारी एक्टिविटीज में हम कवर करेंगे। तो बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास अभी दो सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और एक है आइकॉनिक, ठीक है। आपको एक कूपन कोड जरूर यूज करना है, विच इज MANDHAN, ठीक है। अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस चाहते हैं, आपको आइकॉनिक में नहीं जाना है, जस्ट यू नीड टू चूज द प्लस सब्सक्रिप्शन, ये कूपन कोड आप यूज कर लीजिए, MANDHAN। इस कूपन कोड की मदद से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप अपने कन्वीनियंस से पैकेजेस को चूज कर सकते हैं। ख्याल रखिए, जो भी सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एम पर्सनली टीचिंग ऑन अनअकैडमी फॉर क्लास 11th एंड 12th CBSE। सो क्लास 11 एंड 12 CBSE के लिए मैं मैथ्स टीच कर रहा हूँ, तो आपका मैथमेटिक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास रहेगा। बाकी सब्जेक्ट के भी टीचर्स हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपका डेफिनेटली फायदा होने वाला है बच्चों। और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट अगर आप देखोगे, सो इफ यू नोटिस द कॉस्ट, यहाँ पे 6 मंथ की कॉस्ट है अराउंड 9,000। ओके, सो इट इज़ अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट फॉर अ लाइव क्लासेस, क्योंकि इफ़ यू अज्यूम 9,000 फॉर 6 मंथ,
दैट मीन्स 1500 पर मंथ आपको पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश की बहुत बढ़िया तैयारी होगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, साथ ही साथ एवरी फोर्थ क्लास जो आप लाइव अटेंड करेंगे उसमें हम डाउट सेशन भी कवर करते हैं। तो बच्चों जो भी आपके डाउट्स हैं हम चैट ऑप्शन में इनेबल कर देते हैं, वहां पे आप फोटो भी भेज सकते हो। यस डियर स्टूडेंट, लाइव क्लासेस के दरमियान आप फोटो भी भेज सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस, जहां मैं टीच कर रहा हूँ क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई के लिए। लाइव क्लासेस की होगी जम के तैयारी और आपके डाउट्स हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। तो बच्चों आज ही ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस, मिलते हैं लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वर्किंग।